और आप देख सकते हो नीलकंठ है बस 4 किलोमीटर दूर। गाइस हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं और ये आ गया है मंदिर का टर्न और हम बस पहुंचने ही वाले नीलकंठ। और जो आप पीछे देख रहे हैं यार उस माउंटेन में ऊपर और वहाँ पे है बालकुवारी नाम से एक मंदिर है, तो वहाँ पे वो मंदिर है। सो यार जैसे कि आपको पता है एंकी कहीं जाए और कुछ हो ना, सो हमारी बाइक अभी थोड़ा स्टार्ट नहीं हो रही है जो कि पीछे खड़ी है और स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। और यार धूप कितनी अच्छी आ रही है आप देख सकते हो, और यार व्यू इतना प्यारा है, यही खूबसूरती है यार ऋषिकेश की कि मतलब आप कहीं भी चल जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता आपको व्यू ना दिखे। और यार हम रुके हैं अभी तो, और अभी यहाँ पर नीलकंठ है 4 किलोमीटर दूर है और ये दो जा रहे थे, मैंने इन्हें भी वापस बुला लिया तो ये आ गए यहाँ पर। नई गाड़ी है ठीक कर दो। मैंने क्या बोला है मैकेनिक सर, धक्का जाओ जाओ धक्का लगाने। ये जा रहा है धक्का लगाने के लिए, और गाइस देख सकते हो आप कितनी अच्छी चीज़ हो रही है ना धक्का लगाने। यू डू इट, जा सकते हो आप लगा के आओ धक्का। गाइस जाना हमें ऊपर था और हम जा नीचे रहे। हेलो हेलो सूरज बोल हेलो चिल्ला चिल्ला। क्या कट गया पोपट? हो जाएगा तो पतला। चलो अब चलते ऊपर को। फाइनली गाइज इतनी मेहनत के बाद हो ही गई है गाड़ी स्टार्ट और हम निकल पड़े हैं दोबारा। अगर गाड़ी खराब होगी ना गाइज मतलब अगर स्टार्ट नहीं होगी तो अब तो 100% मैं ही धक्का लगाऊंगी। इन्होंने मुझे बोला है कि यार तू ही धक्का लगाएंगे, वो थक चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी तो ऑल टाइम गाड़ी कुछ भी करने के लिए ना, तो मैं लगा लूँगी यार धक्का। 3 किलोमीटर्स और आ गए हमें नीलकंठ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद तो यार मैं आपको क्या ही बताऊँ, जस्ट लाइक अ हेवन नीलकंठ महादेव। फाइनली आ गए हम नीलकंठ मंदिर के अंदर जाएंगे। हाँ जी। ये शहद है, ये गुलाब जल है, ये नागनागिन। अच्छा। इस जल में मिला देना पीछे। अच्छा ठीक है, तब चढ़ाना हो, बाकी सामान गड़ जाएगा आपको। ठीक है ठीक है। इन्होंने हमारी हेल्प करी है और ये बता रहे हैं कि इन्हें ऐसे चढ़ाना है, मतलब नागा नागिन का जोड़ा भी, और ये गंगा जल है, इन सबको पानी में मिलाना है। सो ले लिया आपने? यार बहुत अच्छे लग रहे हैं यार आप ये लेते। चलो भाई चलो चलो। वो नीलकंठ की थाल, और यार ये कुछ शहद है, गंगा जल है, और ये प्रसाद है, फूल है, भोले बाबा की मूर्ति है, और यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा भी था। यार कहाँ गया, निकाल लो यार, हेल्प करो व्यूअर्स को दिखाओ। ये रही ये रही ये रहा। अब बस हाँ ये नाग नागिन का जोड़ है, ये चढ़ाना है ऐसा वहाँ पे ना, और मिक्स करके पानी नहीं गंगा जल गंगा जल में मिक्स करके। और कितनी अच्छी लग रही है ये थाल। शिव जी का कहना ये है कि मिनरल वाटर चाहिए उनको ना, मतलब वो बोल रहे होंगे कि गंगा तो मेरे पास ही है, गंगा की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मिनरल वाटर चला दो क्योंकि कलयुग चल रहा ना। हाँ मतलब वो हाँ गंगा तो मेरी ताज़ा पानी दो मुझे। हाँ गंगा तो मेरी जटाओं में बसी है, पर वो मिनरल वाटर की ज़रूरत है मुझे ना, वो क्या प्योर रहने के लिए, क्योंकि मतलब वो कलयुग का जमाना चल रहा, तो ऐसे कुछ। अरे की अरे थाली क्या, कहाँ गया वो जिसकी थाली है, लो वही पकड़ो, कीप योर थाली। अच्छा लग रहा है तो थाली लेते हुए। नीलकंठ को कहते हैं, नीलकंठ क्यों बोलते हैं बताओ? वो तुम सुनाओगे ना कहानी। अरे जब शिव जी ने वो विष पिया था ना, तो उनके गले में बहुत जलन मची थी, तेज था उसका। अच्छा। तो वो यहाँ ध्यान करने आए थे, तब से नीलकंठ। अच्छा वो ध्यान करने आए थे और वो यहीं रह गए है ना, तो नीलकंठ जगह का नाम हो गया वो, ऐसी बात यहाँ यहाँ ही क्यों रहेंगे, और भी जगह गए होंगे। हाँ मतलब
ध्यान लगाने के लिए आए। वैसे भी उत्तराखंड पूरे देवी देवताओं का वो है ना, सारे देवी देवता यही वास करते हैं, ऋषिकेश देवी देवताओं, मतलब सबको हमारे ऋषिकेश ही लगा कि यार हाँ है ना, नेचुरल जगह है, रहने लायक जगह है। तो ऐसा पौड़ी में आता है, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स और पार्किंग है, और छोटे छोटे आपको होटल्स मिल जाएंगे कुछ रेस्ट करने के लिए। और ये है पार्किंग एरिया, रोड के अगल बगल गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, और वहाँ कुछ गांव भी है सामने पहाड़ में, और हम चल रहे हैं अभी, सब अपनी अपनी थालियाँ लेके चल रहे हैं। मेरे यू नो शिव मेरे दिल में बसते हैं। उतार लिए हैं शूज़ और अब जा रहे हैं हम मंदिर को, और ये है कुछ ऐसा नीलकंठ जाने से पहले, अभी मंदिर आया नहीं है, मंदिर अंदर की साइड है, ये बाहर का मार्केट है, जैसे कि आप देख सकते हो यार, आपको यहाँ सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, लाइक प्रसाद हर चीज़ आपको बाहर ही मिल जाएगा। मंदिर से जाने से पहले का व्यू आप देख सकते हो यार, मतलब सब लोग अपनी अपनी थालियाँ लेके आ रहे हैं पूजा करके। गाइस सो फाइनली हम आ गए हैं मंदिर, और इतनी भीड़ लगी है, आप देख सकते हो यार कितनी भीड़ लगी है मंदिर में, और सब अपनी अपनी थाली लेके पूजा के लिए खड़े हैं। तो इसमें मिक्स करना है, ये डाल दिया गुलाब जल और ये जा रहा है इसमें शहद, और ये हो गया है सबका तैयार अपना अपना। इसका YouTube चैनल आगे बढ़ जाए भगवान, ठीक है। डालो ये दिखाइए नाग नागिन, और ये नाग नागिन जो अब हम डाल चांदी के ये जो पानी में डालना है, और ये अंदर चढ़ेंगे। थाली सबकी ऐसी तैयार हो गई है, और यार बहुत अच्छे लग रहे हैं यार तुम सब, चलो लग गए हैं तीनों के तीनों लाइन में। वो ये देख, ये मंदिर में आगे ये चल रही है। बोला हर हर महादेव बोलना चाहिए है ना, सूरज आप बोल नहीं रहे, सूरज हर हर महादेव कौन बोलेगा। भीड़ लगी है और सबने लगा रखी है लाइन, आप देख सकते हो यार, और यहाँ पे अभी बहुत भीड़ है, और सब बाहर से आते हैं यार, मतलब बहुत मानते हैं नीलकंठ महादेव को, तो सब कहीं ना कहीं से आई रखे हैं, हर जगह से, हरियाणा पंजाब वगैरह से, और आप देख सकते हो यार मेरे पीछे मंदिर, अभी ये सब लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हवन हो रहा है जोत जल रही है, तो वो लोग खड़े हैं वहाँ पे, ये रहे आप देख सकते हो यार इतनी भीड़ लगी है, ये है पूरा नीलकंठ महादेव। हाँ, और देख लो यार काफी भीड़ में यहाँ पे लोग आते हैं यार मंदिर में। चढ़ा नहीं अभी पानी। तीनों खड़े हो रखे ना तुम लाइन में, और इन्हें यहाँ पे जाना है पानी चढ़ाने। गाइस हम इतने कंफ्यूज हो गए थे कि जल कहाँ चढ़ाना है, तो हम घूम फिर के बहुत टाइम बाद आ रहे, तो हम भी भूल गए हैं, और यार इतनी जगह घूम फिरने के बाद ना तो अब पता चलता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, और देख लो यार अब लाइन लगी है पूरी मेरे पीछे, आप देख सकते हो। तो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि क्राउड ही क्राउड है, इसलिए फर्स्ट सेफ्टी। और यहाँ पर सब कर रहे हैं पूजा जैसे कि आप देख सकते हो, और अभी इन दोनों की बारी भी है, ये दो भी करेंगे अभी पूजा। ये वेट ही करते हैं, इनको घुमा दिया दरअसल लोगों ने इधर उधर, है ना। माची जलानी नहीं आ रही, सिगरेट पीना भूल गया। बिजनेसमैन लोग है ना, सिगार पीते हैं। बिजनेसमैन लोग है ना, सिगरेट नहीं सीधा सिगार पीते हैं। मेरे पीछे नहीं, महादेव के पीछे। मैं क्या बोल रही, ये लगे मेरे पीछे लाइन।
नहीं, हम लाइन में खड़े हैं गाइस, और यहाँ पे मतलब गंदा वंदा भी है, लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह। क्या क्या चढ़ाया फिर आपने इस थाली से? अभी तक तो सिर्फ धूप बत्ती चढ़ाई है और फूल चढ़ाया, और अभी थोड़ा आगे चढ़ाना है ना, अभी आगे चढ़ाएंगे। हाँ, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसे ही बांधते ना, मिलने भी मांग लेना तुम सब थोड़ी थोड़ी है, तू बड़ी यूट्यूबर बन जाए। चढ़ा के हम आ गए हैं और महादेव के दर्शन भी हमने कर लिए हैं, मेरे दोस्त लोगों ने भी कर लिए, और यार उन्होंने एक टीका लगाया है त्रिशूल वाला, तो आप देख सकते हो यार कितना अच्छा लग रहा है, और मंकी भी है यहाँ पे। और दर्शन कर लिए, जल चढ़ा लिए यार, और वहाँ पे ना फोटो खींचने बना था इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, मैंने जितना करना था थोड़ी बहुत कैप्चर को मैंने कर लिया है, और यार आप देख सकते हो एक टिकर लगा है तो कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली हमने पानी चढ़ा दिया, और ये हमारी तीसरी जगह है ना शायद, है ना तीसरी जगह ना ये जहाँ पे हम आए हैं, ये हमारी तीसरी जगह है, और बस ये लास्ट जगह है, और इसके बाद हम निकल जाएंगे, लास्ट है ना ये। सो गाइस, बहुत भीड़ हो रहा था जिसलिए मैं अंदर नहीं गई, वो लोग गए हैं सामने, और जब वो आएंगे तो मैं भी उनके साथ निकल जाऊंगी, इतनी भीड़ हो रही थी क्योंकि यार यहाँ पे यही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, नीलकंठ महादेव भोले बाबा का मंदिर, और इतनी भीड़ थी कि यार मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं बाहर ही रुक गई, वो लोग अंदर गए हैं, तो जैसी बात है तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो लोग वहाँ पे गए हैं, ये कुछ हाथ में धागा वगैरह बांध रहे हैं। हो गई हमारी पूजा पाठ कम्प्लीट, नीलकंठ महादेव के पास भी हम आ गए, और हम सब ने कर लिया पूजा, अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं घर को। और हाँ, कुछ कहना चाहते हो आप तीनों के क्या व्यूज हैं? हमारे व्यूज तो सब्सक्राइब कर दो दबा के, इसके लिए बोलने की जरूरत तो है नहीं यार, हर वीडियो में बोल रहे हैं यार, वीडियो में बोलना पड़ रहा है, हर वीडियो में बोल रहे हैं आपको। अब यार महादेव के पास आ गए तो क्या पता कर दे वो मेरे बेड़ा पार, है ना। अरे हो जाएगा आपका बेड़ा पार, तो हो चुका है हो चुका है तुम्हारा तो। और यार गाइस देख लो आप, इतनी छोटी छोटी शॉप्स है यहाँ पे, मतलब यार डमरू वमरू वगैरह सब अच्छा है, मतलब चल रहे नंगे पैर अच्छे लग रहे यार तुम, नंगे पैर में जुराब पहन, तुमने और मैंने पहन के आई आशु जुराब ये दोनों तो नंगे पैर ही हैं। दे मेरा बच्चा, तू ही दे मेरा बच्चा, भोला तेरे को इतना दे दे दोनों हाथ। अरे बेटा खुशी से दान दे, याद है फाइल जब मैं जा रही हूँ बैल बजाने के लिए, मैं तो पहुँचूंगा उठाऊँ। ये हमने यहाँ पे शूज़ उतारे थे, और ये येलो वन इज माय शूज़, तो शूज़ ले लेते हैं यार, और पहन लेते हैं शूज़, नहीं मैंने वॉश कर रखे थे यार ये, तो कहाँ जाओ शूज़ पहनने के लिए, क्या करूँ ना व्लॉगर लाइफ है, तब पहन लिए सो फाइनली मैंने शूज, या आशु भी अपने शूज़ पहन रहे हैं, ओ माय गॉड फास्ट पर्सन शूज़ पहन दिए अच्छा अधूरे अभी अटकार कैसे हाथ डालो, बहुत बढ़िया। और गाइस ये सब ना प्रसाद है, और मतलब ये थोड़े प्रसाद है इनके साथ, ये पूरी पिक्चर के साथ है, ये गंगा जल शहद और ये प्रसाद फूल वगैरह, और ये डमरू के साथ है, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे प्रसाद की थाली है, आपको जौन सी अच्छी लगती है आप वो ले सकते हो इनमें से। मंदिर में बेल्ट वगैरह लाइक चमड़े की चीज़ लेना बना है, तो पहले पहले अपनी बेल्ट पहनो, ये गुंडे ने यहाँ पे बेल्ट उतारे सबको मारने के लिए करो अपनी बेल्ट्स वेयर, जैसे भी सब बहुत दूर से आते हैं तो उनके लिए होटल्स भी अवेलेबल हैं, और आप देख सकते हो रेड फॉक्स नाम से ये होटल है, और इतना प्यारा व्यू है मंदिर के बाहर, अभी शायद ये न्यू बना है, तो अभी इसका न्यू स्टार्टअप है, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये होटल, मतलब कोई भी आते हैं यहाँ पे यात्री ट्रैवलर्स लोग देखने के लिए इस व्यू को, सो वो ईज़िली यहाँ पर आ सकते हैं और स्टे कर सकते हैं, नीलकंठ महादेव के जस्ट बगल में है ये,
आप दे सकते हो। और ये तीनों चल गए मुझे छोड़ के आगे। और ये सारा यहाँ पे मार्केट है यार, और थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रसाद वगैरह माला वगैरह आपको मिल जाएगी, और ये छोटी छोटी शॉप हर जगह में मिल जाएगी आपको। गाइज आ गए मंदिर से दर्शन करके, और बहुत अच्छा लगा यार, मतलब बहुत टाइम बाद आ रहे हैं यार, काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया है, और अच्छा लगा यार मंदिर जाके भोले बाबा के दर्शन करके। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं भी कोई मंदिर में, और यार मतलब यह उत्तराखंड लाइक अ हेवन प्लेस, मतलब इतने मंदिर हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और पता है हम लोग क्या उत्तराखंड में रह के हम यहाँ की इतनी जगह नहीं घूम पाते, बट अच्छा लगता है जब अपने उत्तराखंड में बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए। अच्छा लगता है यार कि अपना उत्तराखंड का नाम बढ़ रहा है इतना, और मतलब इतना अच्छा आजकल के टाइम में इतना बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन चुका है उत्तराखंड की, लाइक का जस्ट हेवन। और देख ही सकते हैं आप, और कितने लोग जा रहे हैं यार, और गाड़ी वगैरह मतलब 24 आवर्स। ये जिनसे हमने पूजा की थाली ली थी, और यहाँ पे मतलब पूजा करके आने के बाद तो थाली वापस करनी पड़ती है, ये रही हम तीनों की थाली, और हमने वापस कर दी है।